हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि अगर हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है, दुख है, परेशानियां हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला है। एक छोटी सी कहानी अपनी बात को समझाने के लिए। एक बार एक किसान एक खेत में बैठा हुआ था, भगवान को गालियाँ दे रहा था। भगवान उसकी गालियाँ सुनते सुनते बड़े परेशान हो जाते हैं और उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ भाई, तुम मुझसे इतनी गालियाँ क्यों दे रहे हो? वह किसान कहता है, मुझे नहीं पता आपको भगवान किसने बना दिया। आपको कोई भी कार्य सही से आता ही नहीं है, ना तो आप स्वयं समय पर वर्षा करते हैं और ना तो धूप देते हैं और ना ही हवाएं चलाते हो। आपकी ही वजह से हमें बहुत कम पैदावार प्राप्त होती है। आप कैसे भगवान हैं? भगवान उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं सभी कार्य सही तरीके से करता हूं, परंतु तुम उन्हें गलत क्यों बता रहे हो? वह किसान भगवान से कहता है, अगर आप सभी कार्य सही से करते हैं तो हमें इतनी कम पैदावार क्यों प्राप्त होती है? हम प्रयास तो ज़्यादा करते हैं, परंतु इसका फल हमें कम क्यों मिलता है? भगवान उस व्यक्ति से कहते हैं, जितना तुम प्रयास करते हो तुम्हें उतना ही फल मिलता है। मैं कभी भी किसी को उसकी मेहनत से कम फल नहीं देता। वह किसान भगवान से कहता है, बस बहुत हुआ, अब ये कार्य मेरे हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस समय वर्षा करनी है, किस समय हवाओं को चलाना है और किस समय धूप देनी है। आप सारी ही चीज़ें गलत समय पर करते हैं, तो कृपया कर इस जिम्मेदारी को आप मुझे दे दीजिए। किसान की बात सुन भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, और पूरी जिम्मेदारी किसान के हाथों में सौंप कर चले जाते हैं। किसान अपनी मर्जी से हवाएं चलाता है, किसान अपनी मर्जी से फसलों को सही मात्रा में धूप देता है और सही मात्रा में वर्षा भी करता है। कुछ समय में ही फसलें खेतों में लहराने लगती है। किसान खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ भगवान से मैंने यह कार्य ले लिया, क्योंकि भगवान से तो यह ठीक से हो ही नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद फसल काटने का समय आ गया। फसल काटी जाती है और किसान पहली वाली खोल कर देखता है, जो गेहूं की पहली बाली थी उसको खोल कर देखता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो फिर किसान दूसरी बाली को खोल कर देखता है, उसमें भी कुछ दाना नहीं होता है। वह धीरे धीरे 6-7 बालियों को खोल कर देखता है, परंतु वह पाता है कि बालियों के भीतर गेहूं है ही नहीं। यह देखकर उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और वह चिल्लाता है, भगवान तुमने मेरे साथ ये क्या किया? सब कुछ मैंने समय पर किया, फसल भी इतनी भरी भरी थी, परंतु यह अनाज तो दे ही नहीं रही है। किसान की बात सुन भगवान उसके पास आते हैं और कहते हैं, अब क्या समस्या हो भाई? किसान भगवान से कहता है, आपने मेरे साथ धोखा किया। मैंने अपनी फसलों को सारी सुविधाएं दी, परंतु फिर भी उसके अंदर फल विकसित न हो सका, ऐसा क्यों? अब भगवान जो उसकी बात सुनकर यहाँ पर कहते हैं, वो बड़ा सुनने लायक है। भगवान उस किसान से कहते हैं, वो बड़ा सुनने लायक है। भगवान उस किसान से कहते हैं, फल का विकास सुविधाओं से नहीं होता, फल का विकास समस्याओं से होता है। तुमने समय पर वर्षा कराई, तुमने समय पर हवा चलाई और समय पर धूप दी, परंतु तुमने एक बात को नज़रअंदाज किया कि जब तक फसलों पर समस्या नहीं आएगी तब तक वो विकास नहीं कर सकती। भगवान उस किसान से कहते हैं, मैं तेज हवा चलाता था जिससे कि फसलें की जड़ें धरती में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सके, और मैं समय पर वर्षा नहीं करता था जिससे कि फसलों की जड़ें पानी की तलाश में धरती में और गहरी जा सके। मैं सभी चीज़ें उस मात्रा में करता था जिससे फसलों को संघर्ष करना पड़े, समस्याओं का सामना करना पड़े, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने फसलें को सुख सुविधाएं दी जिसमें से उनका शरीर तो बड़ा हो गया, परंतु अंदर से उनका विकास ना हो सका। आप जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ, आप एक भी ऐसा उदाहरण मुझे दे दीजिए
जिसके जीवन में समस्या ना आई हो, जिसके जीवन में परेशानी ना आई हो और वह एक सक्सेसफुल इंसान बनाओ। आप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सक्सेस सुविधाओं से नहीं मिलती, सक्सेस समस्याओं से मिलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहानी एक काल्पनिक है परंतु सच्चाई को दर्शाती है। हर स्थिति में आपके पास जो दो विकल्प होते हैं, या तो आप स्थिति को स्वीकार करें, उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार माने और आगे बढ़े, या फिर हार कर बैठ जाएं और औरों को दोष देते रहें, अपने जीवन की उस स्थिति को कोसते रहें। दोनों ही विकल्प आपके हाथों में हैं। एक आपको विकास की ओर ले जाता है और दूसरा आपको ही आपकी नज़रों में ही गिरा देता है। अब यह आपको निर्णय है कि आपको कौन सा विकल्प चुनना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।